हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे कच्चे आम की सब्जी या फिर आम की लौंजी, जो कि बस पांच चीज़ों से बनके रेडी हो जाती है। अब आम का सीज़न है तो हर घर पे आम के आइटम्स तो बनती ही रहती है, तो इसीलिए मैं आज लेके आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सी आम की रेसिपी। आम की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए आम। यहाँ मैं तीन आम ली हूँ जिसे मैं अच्छे से धो के कट कर ली हूँ। गुड़, और ये है अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्च जिसे मैं कूट के ले ली हूँ। आप चाहे तो अदरक लहसुन की पेस्ट भी यूज कर सकते हैं और प्याज काट के भी यूज कर सकते हैं। और चाहिए पंचफोरन जिसमें होता है जीरा, सरसों, सौंफ, मेथी और काला जीरा या फिर कलौंजी। सब्जी बनाने के लिए हम पैन को गैस पे चढ़ा देंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें ऑयल और इसे हीट होने तक वेट करेंगे। जब ये ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे आम, इसे फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ छिलके के साथ आम को ली हूँ, आप चाहे तो छिलका निकाल सकते हैं। हम आम को ढक के फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल सकता है। हम इसे इस तरह से चेक कर लेंगे ये पका है कि नहीं जानने के लिए। यह पक गया है, इसे अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। कढ़ाई में ऑयल बच गई है जिससे हम सब्जी बना लेंगे, और ऑयल मैं ऐड नहीं करूंगी, ये सफिशियंट है। ऑयल को गर्म कर लेंगे, जब ये गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे पंचफोरन। ये अब चटक गई है, अब इसमें डालेंगे क्रश की हुई अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्च जो हमने पहले से रख लिए थे। इसे अब अच्छे से पका लेंगे इसका कच्चापन दूर होने तक। अब ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जाएगा गुड़। गुड़ आप आम की मिठास के हिसाब से डालें। आप गुड़ की जगह चीनी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। गुड़ डालने के साथ ही पानी ऐड कर लेंगे ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए और जले ना। गुड़ अब पिघल गई है, अब इसमें और थोड़ा पानी डालेंगे। इसमें जब बॉयल आ जाए तब डालेंगे इसमें आम। ये अब बॉयल हो गया है, इसमें डालेंगे अब आम। अब डालेंगे नमक और इसे ढक के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में
पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये बनके रेडी है। इस रेसिपी को आप घर पे ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।